नमस्कार, मैं पिंटू सिंघिया तो आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वो वीडियो किसी और का नहीं बल्कि पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का है, जिसमें वो डिंपल सिंह और कल्लू से बतियाते नजर आ रहे हैं। और वो बतियाते नजर नहीं आ रहे हैं बल्कि वो डिंपल सिंह को नाजायज साली बता रहे हैं, तो वहीं कल्लू को साला बताते नजर आ रहे हैं। और इस पर डिंपल सिंह का रिएक्शन आता है कि बड़ी मार मारेंगे, तो वहीं कल्लू का रिएक्शन आ रहा है कि अरे भैया सब कोई सुना था। तो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं एक भोजपुरी कलाकार खुलेआम मंच पर अलग अलग लोगों को इस तरीके का आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये कतई भी एक सामाजिक तौर पर स्वीकार्य नहीं है। और इसको लेकर अब जो तमाम लोग हैं सोशल मीडिया पर, वो पवन सिंह और कल्लू को जमकर लताड़ लगाते नजर आने लगे हैं। इस कड़ी में सौरभ कुमार नाम के यूजर से लिखते हैं कि कल्लू आज से पूरा बिहार के साला घोषित हुआ रहे। बताइए, इस तरीके की प्रतिक्रियाएं स्वीकार्य नहीं है और कल्लू ने स्वीकार किया है, इस पर अब तक बोले नहीं है, इसको लेकर सौरभ कुमार ने इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी। वहीं बात करें तो सरोज यादव लिखते हैं कि खेसारी जैसा बनने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, यानी कि उन्होंने खेसारी यादव से तुलना किया है कि उनके जैसा बनने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तीसरा नाम है आइडियल राजपूत, लिखते हैं कि आज कन्फर्म हो गया कि पवनवा सिर्फ मीडिया के सामने दिखावा करता है। सही बात है, जब अपनी पत्नी को इज्जत नहीं देता है तो और किसी को क्या देगा, कमंडी साला। तो इन्होंने पवन सिंह पर प्रतिष्ठित रूप से जो है पूरा वार किया है और इस तरीके की प्रतिक्रिया इन्होंने दे दिया है। वहीं बात करें तो आर कुमार नाम के यूजर से लिखते हैं कि यार ये समझ में नहीं आता कि मोटका हमेशा मारले रहता है पियकड़ा, तो इस तरीके की रिएक्शन आ रहे हैं तो अब क्या ही कह सकता है। वही बात करें तो विशाल यादव नाम के यूजर लिखते हैं कि कल्लू के इज्जत क्या है ये सब देख के आज पता चला, यानी कि उनका ये मानना है कि अगर कोई कलाकार सखुलिया मंच पर इस तरीके की बातें सुनकर उसको स्वीकार कर रहा है तो उनका रेपुटेशन क्या है ये बखूबी आपको पता हो गया होगा। वही बात करें तो जो है अरुण यादव नाम के यूजर से लिखते हैं कि शराब पीकर लोग होश खो बैठते हैं, यानी कि उन्होंने पवन सिंह पर निशाना साधा है कि उन्होंने जो है जिस मूड में थे उस मूड में इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे। पिंटू रैना नाम के यूजर लिखते हैं कि इन दोनों का क्या इज्जत है समझ में आ गई, यानी कि इन दोनों लोगों ने अभी तक इस पर कुछ बात नहीं कही है और इन दोनों को पवन सिंह किस एंगल से देखते हैं ये इनका कहना है। वही बात करें तो अभिषेक यादव लिखते हैं कि यही बात खेसारी लाल यादव बोले होते तो अब तक हर कोई कहता कि खेसारी आ गया विवाद करने। सही बात है, खेसारी यादव अगर ऐसा बात बोलते तो लोग कहते कि विवाद करने के लिए फिर आ गया। वही आशुतोष यादव लिखते हैं कि अपना खेसारी भैया जैसा कोई नहीं है, तो उनका ये मानना है। वहीं बात करें तो विवेक कुमार नाम के यूजर से लिखते हैं कि गोबर सिंह हमेशा दारू पीकर ओवरलोड रहता है, तो इस तरीके की रिएक्शन उन्होंने दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के लोग रिएक्शन जो है पवन सिंह की इस बातों पर दे रहे हैं और समाज में किस तरीके का एक गलत मैसेज जा रहा है, यह बखूबी आप जानते होंगे। बाकी इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। धन्यवाद।